बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली। मैंने यहाँ पर बनाए हैं जी दाल चावल। चावलों को लग चुका है दम। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे खिले खिले से चावल जो हैं हमारे तैयार हुए हैं। और ये है जी हमारे चने की दाल। आज हमने चने की दाल वाले दाल चावल बनाए हैं। बहुत ही यम्मी दाल जो है हमारी वो तैयार हुई है। तो यहाँ पर जी मैं दाल चावल भी निकाल रही थी, और दाल चावल दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मेरा मकसद है आप लोगों से ये बताने के लिए मैंने वीडियो शेयर की है कि जब मैं एलवी करती हूँ मेरी एलवी में कोई भी नहीं आ रहा। और मैंने कल भी तकरीबन 4 बार एलवी की थी तो कोई भी नहीं आया। फ्रेंड अगर अभी जो है मैं कल तकरीबन 10 बजे के टाइम जो है एलवी करूँगी, प्लीज़ आप लोग जो है मेरी एलवी में ज़रूर आइएगा। इससे मेरी भी हेल्प होगी, आप लोगों को भी न्यू फ्रेंड मिलेंगे। और जी सब मुझे यही जो भी आ रहे हैं, एक दो फ्रेंड ही आते हैं, वो यही ताना देते हैं कि आपके फ्रेंड तो इतने सारे हैं तो आपकी एलवी में क्यों नहीं आते। तो बस ये है कि अभी मैं कल जो है एलवी करूँगी, आप सब फ्रेंड्स को जो है इन्वाइट कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर आइएगा। 10 बजे टाइम मेरी एलवी होगी और आप लोगों को भी न्यू फ्रेंड मिलेंगे, और मेरी भी जो है मेरा भी टाइम वॉच जो है उसमें भी मेरी हेल्प होगी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल कीजिएगा। ये चने की दाल वाले दाल चावल आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत ही यमी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। मैं तो कभी चने की दाल और कभी की मूंग की दाल वाले बनाती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कितने अच्छे बनते हैं। क्योंकि मेरे को बहुत कम लोग देखे हैं जो चने की दाल में जो है दाल चावल बनाते हैं, और चने की दाल में दाल चावल बहुत ही यमी बनते हैं। और उसके साथ फिर मैंने ये रायता बनाया हुआ है जो है बिल्कुल ही जो है तकरीबन 5 मिनट में तैयार हो गया। प्याज को मैंने जो है काट कर साफ से धो दिया। थोड़ी सी दही ली है, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया, नमक लिया है इसमें ज़रूरत। और ये हमारा यमी सा जो रायता है वो तैयार हो गया है, और ये हमारे हो गए हैं दाल चावल भी तैयार। और जो वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की है उसका जो मकसद वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि मैं कल एलवी करूँगी, तो आप लोग जो है ज़रूर आइएगा 10 बजे के टाइम। अल्लाह हाफिज़।